का शो में काफ़ी टर्न और ट्विस्ट आ रहा है, जो कैरेक्टर हैं राधे और तारा, उनका हल्दी सेरेमनी क्या कहना चाहेंगे, इतना टर्न और ट्विस्ट की वजह क्या है? काफ़ी टर्न और ट्विस्ट, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि काफ़ी ट्विस्ट आने वाले हैं, सो वही है कि जैसे कि आप देख रहे हैं नया कैरेक्टर आए एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो आप देख रहे हैं राधे और तारा की हल्दी हो रही है एंड जिसमें मैं काफ़ी खुश हूँ। तो बूंदी खुश है, कुछ खास वजह होगी? और तारा जो नया करेक्टर है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है अभी फिलहाल? बेसिकली जो तारा है वो उसे बूंदी को कुछ पता नहीं है कि वो क्यों आई है, किस मकसद से आई है, क्या करने आई है, बट लेटर ऑन डेफिनेटली अगर बूंदी को पता चलेगा कि तारा किस मकसद से आई है, सो मे बी शी विल गो एंड अपने टीम में उसको कर लेगी जैसे उसने अधिराज को किया था। सो देखते हैं अभी, क्योंकि तारा और राधे की अब हल्दी होने वाली है। बूंदी इसलिए खुश है क्योंकि वो चाहती है कि राधे चला जाए और शंभू के साथ वो हमेशा खुश रहे। तो लगता है कि आपको अपना जो मकसद है या जो आप सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा इस चीज़ के थ्रू, तारा जो कैरेक्टर है? पता नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। ब्रेक भी हो गया, ब्रेक हो गया। मैम जानना चाहूँगा, आज जो टर्न और ट्विस्ट हो रहा है शो में काफ़ी ज़्यादा है, राधे और तारा का जो हल्दी सेरेमनी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कि आगे क्या आपको? फाइनली नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी हल्दी की रस्म शुरू हो गई है और इसके बाद यहाँ पे कुछ तमाशे हो रहे हैं कि घर वालों ने बोला है कि माँ बाप को बुलाओ और तारा के तो माँ बाप पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि तारा ने बहुत कहानियाँ बनाई थी पहले, तो अभी आ तो गए हैं पर तारा खुद ही कंफर्म नहीं हो पा रही है कि वो उसके माँ बाप हैं, क्योंकि तारा के मुँह पे घूंघट है। तो बेसिकली अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बट फाइनली फिर मेरी हल्दी हो जाती है एंड देन शादी की प्रिपरेशन होती है। तो तारा जिस मकसद से आई है और जिस मकसद से रिश्ता जोड़ रही है राधे से, उसके लिए बताइए कि क्या मकसद है? और वो राधे के लिए तो बहुत जेन्युइन है, राधे को प्यार करती है क्योंकि राधे, उसको लगता है कि राधे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा पति है जो कि उसको हर बार सपोर्ट करता है, तो तारा का जो प्यार है राधे के लिए वो सच्चा है। बट वो जिस मकसद से आई है शंभू को मारने के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एपिसोड देखा ही होगा कि क्या हुआ है मेरे बैक स्टोरी में, कि मेरी माँ को जला के उन लोगों ने मार दिया, तो मैं बदला लेकर आऊँगी, क्योंकि जिस तरीके से मारा गया था शंभू को तो ख़त्म होना ही पड़ेगा, चलेगा तारा का जादू। तो ये भी कहना चाहूँगा, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं आप रियल में, क्या आपको सिमिलैरिटी है या एकदम बिल्कुल भी नहीं, एकदम ऑपोजिट है, बिकॉज मैं रियल लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत प्लेफुल हूँ, बहुत बबली हूँ, बहुत हर चीज़ मेरे हर काम में खुशी हंसी होती है, बट हाँ रील अपना टीवी लाइफ और इंडस्ट्री लाइफ में जब होता है तो हमें नेगेटिव प्ले करना पड़ता है और नेगेटिव में भी करने में अपना अलग मज़ा है। शो में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी मंजे हुए आर्टिस्ट भी, अंजना जी हैं, प्रतिभा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अभी तक का इक्वेशन रहा है काम करने का? तो को आर्टिस्ट जितने भी मुझे मिले अब तक के जर्नी में सारे मुझे बेस्ट मिले हैं और अच्छे मिले हैं, मुझे उनसे सीखने को मिलता है। जैसे कि मेरा लास्ट शो था साथ निभाना साथिया, उसमें मैम थी मेरी जो माँ बनी थी वो थी वैशाली ठक्कर जी, और शी वॉज अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग पर्सन, तो मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे अभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है पब्लिकली, आई मीन फैमिली से इतना, बट येस हाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज़ यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी अलग है, जैसे श को स बोलते हैं, थोड़ा टच दिया है भोजपुरी का, तो वो मुझे सीखने को मिलता है, बिकॉज़ मैं हूँ लखनऊ से, गोरखपुर से, बट मेरे को नहीं आती है बोलने, क्योंकि मैंने मेरे घर में कभी मेरी माँ ने मुझे बोलने नहीं दिया। तो ये है सीन। जो आपको कैरेक्टर मिला है आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट होगा आपके करियर के हिसाब से, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपको मान रहा है? सो नेगेटिव मैंने अब तक जितने भी शो किए हैं उसमें एक वानी रानी को छोड़ के मैंने सब में नेगेटिव प्ले किया, और नेगेटिव मतलब यहाँ नहीं एकदम पीक पर किया है, तो मेरे लिए अभी जो मैं प्ले कर रही हूँ डेट इज़ नॉर्मल, बट अगर आगे और इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली मेरे लिए नेगेटिव अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्ले करने को मिलता है, चाहे आँखों से बात करो, चाहे डायलॉग से बात करो, चाहे एक्सप्रेशन से बात करो, चाहे हाथों से बात करो, तो मैं सारी चीज़ों से ही बात करती हूँ। थैंक यू। मैम जानना चाहूँगा कि बहुत टर्न ट्विस्ट रहा है शो में, आज आपको राधे और तारा की मतलब हल्दी सेरेमनी, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए महुआ बदल चुकी है और आप लोग पहचान पा रहे हैं, पर हमारे घर वाले नहीं पहचान पा रहे हैं कि महुआ और ये शंभू ही हैं, तो महुआ को बेसिकली तारा का सच बाहर लेके आना है, तो बस वही दिमाग लगा रही है क्या करे कैसे करे कि अपनी सच्चाई उगल दे, तो वही कोशिश में लगी हुई है महुआ, और आई एम वेरी श्योर कि जल्दी तारा का सच बाहर आ जाएगा।
तो तारा जो कैरेक्टर है बेसिकली किस इंटेंशन से आई है? वो कुछ उसकी माँ को मार दिया गया था अम्मा जी ने आई थिंक, तो वो उस चीज़ का बदला लेने आई है हमारे घर में, पर वो किसी को बता नहीं रही है मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो महुआ के ऊपर, महुआ को उसके ऊपर शक है कि ये कुछ तो कांड करने वाली है बड़ा, तो वही महुआ परिवार की रक्षा करना है, उसको बचाना है, शंभू की रक्षा करना है, तो बस महुआ वही करने का प्रयास कर रही है, वही कर रही है। मैम, जानना चाहूँगा आज का जो सीक्वेंस है तारा और राधे का जो हल्दी सेरेमनी, क्या कहना चाहेंगे, और जो कैरेक्टर है तारा उसके बारे में बताइए, क्या कहेंगे? एक न्यू कैरेक्टर है तारा से मेरी बेटी की राधे, आज मतलब शादी मांग ऑलरेडी हो चुका है और आज उसकी हल्दी सब लोग मान गए हैं उसकी शादी को लेके, और आज हल्दी की रस्म हो रही है जिसमें महुआ और शंभू आते हैं चेंज होके, गेटअप चेंज करके, ताकि तारा का सच सबके सामने आ सके, और हम लोग सुनते नहीं क्योंकि हमें शंभू महुआ पहले से ही पसंद नहीं। मैं आपसे चाहूँगा सीक्वेंस के बारे में और तारा जो कैरेक्टर है उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ सीक्वेंस ही नहीं खत्म होते एक खत्म होते ही दूसरा सीक्वेंस आ जाता है सुपर एंटरटेनिंग हमारा शो है। तो जैसे अभी इन दोनों ने एक्सप्लेन किया कि वही है कि दोनों रूप बदल के माँ बाप बन के आ जाते हैं, तो सिचुएशन को संभाल रहे हैं, हम लोग अनजान बने हुए हैं और बाकी ऑडियंस मज़े लेगी। हाँ बिल्कुल, इतनी देर तक रेडी होना, और अभी मैं तारा की मम्मी बन के आई हूँ, तो थोड़ा देखिए सफ़ेद बाल हो गए, ये कलर मेरा डार्क किया है थोड़ा, और लुक मुझे एकदम अलग किया है ताकि घर वाले पहचान ना पाए, तो बस अच्छा सा प्यारा सा लुक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कुछ नया चेंजेस क्या मिलने वाला है, कितना एंटरटेनमेंट होने वाली है जो शादी के, जो आज हल्दी है, ऑफकोर्स हल्दी सेरेमनी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि महुआ एकदम बदल के आई है, सो आई एम वेरी श्योर ऑडियंस को देख के बहुत मज़ा आने वाला है, सब बहुत इन्जॉय करेंगे। सर जाना चाहूँगा काफी टर्न एंड ट्विस्ट चैलेंज शो में, तो आज का भी सीक्वेंस टर्न एंड ट्विस्ट से बड़ा जाना चाहूँगा, क्या है टर्न एंड ट्विस्ट? तो बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं क्योंकि पहली बार मैं शंभू भैया के अगेंस्ट जाने, अभी तक सिर्फ राम लक्ष्मण बता रहे थे, बट अब उनके अगेंस्ट जाने के बाद राधे क्या करने वाला है, काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। और अभी जो सीक्वेंस चल रहा है वो हल्दी का, इस मतलब शो में राधे की शादी जो कि तारा से है, और तारा से शादी करने के लिए उसने सबसे बगावत भी कर ली है, दादी शंभू भैया भाभी सब के अगेंस्ट सुधा के, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो तारा जो कैरेक्टर है कितना ज़्यादा आपको लगता है इंटरेस्टिंग बनाएगा शो को, पर्टिकुलरली उस कैरेक्टर में क्या देखने को दर्शकों को? तारा जो कैरेक्टर है बेसिकली मुझे इसके जो स्टोरी है वो दादी से रिलेटेड है, दादी ने कुछ राज छुपा के रखे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि दादी ने ऐसा क्या राज छुपाया है हवेली के अंदर, और वो किसकी बेटी है और क्यों आई है, किस मकसद से शंभू को क्यों मारना चाहती है, पता चलेगा आगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा तारा का। तो कहना बेसिकली नेगेटिव कैरेक्टर होगा और कुछ गलत इंटेंशन से ही उसने? जी हाँ, अभी तो नेगेटिव ही है क्योंकि अब शंभू भैया को मारना चाहती है तो नेगेटिव ही है, अब बूंदी भी नेगेटिव, अब देखिए दो नेगेटिव साथ में होंगे तो आगे क्या मज़ा आएगा, आप देखिए आगे। थैंक यू।